दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले अभी हल्ला हुआ था, मतलब कई आर्टिकल देखने को मिले थे कि यूरोपियन यूनियन भारत के ऊपर सेंसर्स लगा सकता है, और न सिर्फ भारत बल्कि चाइना के भी कुछ कंपनियों पर वो सेंसर्स लगाने की बात कर रहे थे। रीजन में ये बताया जा रहा था कि भारत की कुछ कंपनियां रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद कर रहे हैं। लेकिन उस समय यूरोप का एक छोटा सा कंट्री हंगरी बाहर आया और उसने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और हंगरी ने उन सारे सेंसर्स को आने से पहले ही ब्लॉक कर दिया। तो करीब 12-13 फरवरी को ये न्यूज सामने आया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अब हमें ये देखने को मिला है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा ऑफिशियली इंडिया के उन कंपनियों पर लगा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कह करके भारत के किन किन कंपनियों पर सेंसेक्स लगाया है, इससे भारत को क्या प्रॉब्लम होगा और भारत इसका कैसा समाधान निकालेगा। चलिए जानते हैं भारत की कौन सी कंपनी रशिया को सपोर्ट करती है और उन पर कैसे सेंसेक्स लगाया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप यहां पर द इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल देख सकते हैं, इंडियन फर्म अमंग 27 फेसेस यूरोपियन यूनियन सेंसेक्स ओवर डुअल यूज एक्सपोर्ट टू रशिया। यूरोपियन यूनियन के द्वारा 27 कंपनी पर सेंसस लगाया गया है, जिसमें कुछ कंपनियां भारत की है तो कुछ कंपनियां चाइना की भी है। यहाँ पर हंगरी ने कोशिश किया था कि ये सेंसस ना लगे, लेकिन फाइनली ये सेंसस लगा दिया गया। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, हंगरी ब्लॉक्स कॉमन ईयू स्टेटमेंट टू मार्क सेकंड एनिवर्सरी ऑफ यूक्रेन इन्वेशन। हंगरी के द्वारा ब्लॉक करने के बाद भी यूरोपियन यूनियन ने इन कंपनियों पर सेंसस लगा दिया। आइए जानते हैं वजह क्या है, क्यों यूरोपियन यूनियन इन 27 फर्म पर सेंसस लगाया है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कंपनियां रशिया को चीजों को एक्सपोर्ट कर रही है, और जो भी सामान रशिया को एक्सपोर्ट किया जा रहा है वो डुअल यूज वाला सामान है, मतलब उसका आम पब्लिक भी यूज कर सकती है और मिलिट्री के द्वारा भी उसका यूज किया जा सकता है। तो इनका कहना है कि ये लोग रशिया की मिलिट्री का हेल्प कर रहे हैं। गाइस, सेंसेक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा अगर सेंसेक्स लगाया गया है तो यूरोपियन यूनियन इन कंपनियों के साथ कोई भी डील नहीं करेंगे। इन 27 कंपनियों के नाम सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन इसमें कुछ इंडियन कंपनी भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन में जितने भी सदस्य हैं, ईयू के द्वारा अगर कोई सेंसेक्स पास किया जाता है तो उसमें जितने भी सदस्य हैं सारे कंट्री का सहमत होना जरूरी है। तो इसमें से कुछ कंट्री ऐसे हैं जो चाइना पर पूरी तरह से डिपेंड है, तो वो नहीं चाहते हैं कि इन कंपनियों पर सेंसस लगाया जाए, क्योंकि इन कंपनियों में ज्यादातर कंपनी चाइना की है। लेकिन ईयू ने इसका भी नया रास्ता निकाल लिया। यूरोपियन यूनियन में एक रूल है कि अगर इन 27 देशों में से कोई देश अड़चन लगा रहा है किसी चीज को पास होने में, तो वहां के जो 3 मैन लीडर हैं अगर उनके द्वारा साइन किया जाता है तो फिर इस चीज को लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा, उन 27 कंट्री का कुछ नहीं चलेगा। और यही यहां पर किया गया, हंगरी जर्मनी किसी का नहीं चला और फाइनली सेंसेक्स लगा दिया गया। नाउ यहां पर अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के काफी लंबे समय से बातचीत चल रही है। गाइस, किसी भी एफटीए में फायदा होता है कंपनी को, और इनडायरेक्टली कंपनी के माध्यम से देश को फायदा होता है। इसलिए उस देश के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सिर्फ साइन करते हैं एफटीए पर, बाकी जो भी फायदा होगा उन कंपनियों को होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि जिन भी चीजों का लेन देन किया जाएगा उसका कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे हम आपको कुछ भी दें या आप हमें कुछ भी दें, आपसे सरकार टैक्स नहीं लेगी, वही है एफटीए। और गाइस, ये पहली बार नहीं है, यूरोपियन यूनियन बार बार ऐसे कुछ कानून लेकर के आता है जिससे कि भारतीय कंपनियों को नुकसान होता है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा कार्बन टैक्स को लाया गया था, जिससे भारत के जितने भी स्टील और कार्बन की फैक्ट्री है उनको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो हो रहा है, ये सवाल उठा रहा है यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में जो एफटीए होने वाला है, उस एफटीए पर सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर साइन करना चाहिए, क्योंकि एफटीए के रूल को ये लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, एफटीए कंपनी को लेकर के होता है, और जब ये लोग कंपनी पर ही सेंसर्स लगा रहे हैं तो फिर एफटीए का क्या मतलब है। तो ये आगे देखने को मिलेगा हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, हमारी इंडियन डिप्लोमेसी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। हो सकता है कि भारत और ईयू के बीच में एफटीए पर साइन नहीं हो, तो ये आगे देखने को मिलेगा। अगर इससे रिलेटेड बिग अपडेट आता है कि भारत के कौन कौन से कंपनियों के ऊपर सेंसेक्स लगाया गया है, इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, क्या बातचीत हुई, क्या सही में सेंसेक्स लगा दिया गया, तो इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं अलग से वीडियो ला दूंगा। वैसे गाइस, आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे, यूरोपियन यूनियन जब भारत के कंपनियों पर सेंसेक्स लगा रहा है तो क्या भारत को यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए पर साइन करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं गाइस इस चीज के बारे में, कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।